अगर आप अपनी तमाम मुसीबतें भूल जाना चाहते हैं तो अपने साइज से एक नंबर कम का जूता पहनकर लंबी सी सैर पर निकल जाएं। खाली डिग्री तो एक बेमुराद सा कागज है जो हल्दी और मिर्च बांधने के काम ही आ सकता है, जब तक उसे मकर, फरेब, सिफारिश, रिश्वत और खुशामद के पर लगाकर बेज़मीरी की फूंक ना मारी जाए, ये कागज नहीं उड़ता। आप मिडिल क्लास से हैं तो ये अच्छी बात है। मैंने अजीज अहमद की एक किताब में एक यादगार बात पढ़ी थी कि ये सिर्फ मिडिल क्लास की खवातीन होती हैं जो हया और मसूमियत रखती हैं और इनका तहफ्फुज करती हैं। निचली क्लास तहफ्फुज की इस्तेदात नहीं रखती और ऊपर वाली क्लास बेतहफ्फुजी की इस्तेदात रखती है, तो इस बात की वजह से मुझे मिडिल क्लास लोग बहुत पसंद हैं। कमाल बात यह है कि लफ्ज़ों से ही खामोशी टूटती है और लफ्ज़ ही खामोश कर देते हैं। जब इंसान खुद से मुखातब होने लगता है तो दूसरों से खामोशी इख्तियार कर लेता है। सखावत वो खूबी है जो इंसान की कदर उसके दुश्मन के दिल में भी पैदा कर देती है। दुनिया में बेहतरीन रिश्ता वही है जो रूठ जाने पर भी सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। हम अपने घर की दीवार पर चोर से बचाव के लिए कांच के टुकड़े लगाते हैं, हमें शैतान से बचाव के लिए अपने रूह की दीवार पर भी तकवे का कांच लगाना चाहिए। मोहब्बत तो पत्तों की साई साई की तरह होती है, ना दिखाई देती है ना पकड़ में आती है, बस अपने हिसार में ले लेती है। लहजे और रवैये बदल जाएं तो समझ लें कि ताल्लुक दम तोड़ चुका है, बस मुरव्वत या दुनियादारी बाकी है। एक दरख्त से कई लाख माचिस की तीलियां बनती हैं, मगर एक माचिस की तीली कई लाख दरख्त जला सकती है। तो ज़िंदगी में कभी किसी को मत सताएं, क्योंकि शायद आज आप ताकतवर हों मगर मत भूलें कि वक्त आपसे ज़्यादा ताकतवर है। अपनी नेकी को भूलना और दूसरे की नेकी को याद रखना, यही सच्चे मोमिन की निशानी है। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। इंसान को उसके ज़रफ़ से ज़्यादा मिलने लग जाए ना, तो वो ख़ुद को इंसान नहीं कुछ और ही समझने लगता है। एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई तो मैंने गुजारिश की कि कुछ नसीहत कीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया कि तुमने कभी बर्तन धोए हैं? मैं उनके सवाल पर हैरान हुआ और जवाब दिया कि जी धोए हैं। मैंने कहा इसमें सीखने वाली क्या बात है? वो मुस्कुराए और कहने लगे, बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। डूब सी गई है गुनाहों में मेरी ज़िंदगी या रब, कर दे रहमत मुझ पे कहीं गुनाहगार ही ना मार जाऊँ। हम अपना शुमार उन नॉर्मल अफराद में करते हैं जिनको खेल के वक्त और काम के वक्त भी खेल ही अच्छा लगता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। समझ में नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, गला भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किस के लिए मांगूं? जिसे सर पे बिठाता हूं वही सर काट लेता है।